अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा बर्थडे है तो आज मुझे बहुत सारे लोगों ने विश किया है और मेरा दिल से उन सबको थैंक्स। आपको एक बात बतानी थी, वो ये कि मेरी बेस्ट बडी, खैर बेस्ट बडी तो दूर की बात, मेरी बेस्ट फ्रेंड, नहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड भी दूर की बात, मेरी बहन, नहीं वो भी दूर की बात, मेरी बहन से भी बढ़ के मेरी दिल से क्लोज, मेरी बहुत क्लोज, मेरी बेस्टी, मेरी जानू ने मेरी बर्थडे के लिए खाना बना के भेजा है, बहुत टेस्टी। मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि आयशा की जो बेटी है ना अनुषा, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। उसने मेरे लिए बर्थडे कार्ड बना के भेजा है, देखें कितना खूबसूरत है ना, बहुत प्यारा है। इसमें बहुत कुछ लिखा लेकिन अभी पढ़ूंगी नहीं क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था। ये देखें है ना प्यारा, बहुत खूबसूरत, थैंक यू अनुषे। अच्छा, उसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ वो ये कि उसने सबसे पहले तो मेरे लिए बना के भेजा है ये बर्गर। यम्मी, इसके हाथ का टेस्ट इतना यम्मी है, इतना टेस्टी ये खाना बनाती है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये है शामी कबाब। देखिए जैसे पैकिंग आई हुई थी मैंने वैसे ही आप लोगों को दिखाई, मुझसे नहीं होता कि हाय बर्तनों में सेट करें, ये करें, वो करें। हाय, हम तो सच्चे लोग हैं, खरे लोग हैं, जैसे अंदर से वैसे बाहर से। फिर उसने मेरे लिए ये बना के भेजा मेरा फेवरेट पिज्जा। देख रहे पिज्जा, मैंने हर जगह का पिज्जा ट्राई किया, मुझे जरा अच्छा नहीं लगता। इसके हाथ का पिज्जा इतना टेस्टी, इतना टेस्टी, इतना यम्मी है कि अगर आप लोगों को इसके हाथ का पिज्जा खाना है तो मुझे जरूर बताइएगा, आपके घर पहुंच जाएगा, कराची वालों के लिए स्पेशली। देखिए कितना यम्मी है, बाद में खाऊंगी। उसके साथ इसने भिजवाई है ये पाई इन द स्काई की यम्मी रेड वेलवेट वाली पेस्ट्री। बहुत चीजें आयशा, थैंक यू सो मच, मैं जितना थैंक्स करूँ कम है। इसके बेटे ने भी मुझे विश किया, कॉल की, और अदनान भाई जो इनके हस्बैंड है इन्होंने भी मुझे कॉल की, थैंक यू सो मच। ये मेरी फैमिली, फैमिली से भी बढ़ के हैं, बहुत क्लोज मेरे हैं ये। और मैं ये चीज़ कहूँगी कि आप बहुत लकी लोग होते हैं जिनके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, मतलब सिंसियर होते हैं, लॉयल होते हैं, और उनमें कोई बनावटीपन नहीं होता, कोई लालची नहीं होते हैं, ना बैक बाइटिंग करते हैं, ना लेग पुलिंग करते हैं। तो आजकल का जैसे ज़माना है कि लोग बहुत ज़्यादा मतलबी हो गए हैं, मैंने भी बहुत धोखे खाए हैं, लेकिन मैं जब मुझे समझ आ जाती है कि कोई बंदा जो फेक है या आपकी लेग पुलिंग कर रहा है या कुछ भी आपके साथ कर रहा है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाती हूँ, क्योंकि ऐसे लोग दिल से उतर जाते हैं ना। तो फिर मैं आपको ये कह रही थी कि मैं उन लोगों में से लकीस्ट हूँ, मैं लकी वन हूँ कि जिसकी दोस्त आयशा नान है। ये मेरी बेस्ट बड़ी है, बेस्टेस्ट बड़ी है, और मैं अपनी दिल की बातें भी इससे करती हूँ, ये भी दिल की बातें करती है। मुझे इसकी इतनी एडिक्शन हो गई है कि मैं सुबह जब उठती हूँ तो सबसे पहले आंखें मेरी पूरी खुलती भी नहीं, सबसे पहले इसका मैसेज कि आया है या नहीं आया, नहीं आया तो परेशान, खलबली मच जाती है, भाई क्या हो गया, क्यों नहीं आया। मतलब ये है कि इतनी आदत हो गई है कि दिन में मैं इससे, अपने घर वालों से भी ज़्यादा इसी से बात कर रही होती हूँ। खैर एनीवे, आप सबको यही कहूँगी कि जब तक आप अच्छे हो, खुद खुद के साथ लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, अच्छे हो माइंड से भी, मतलब नीयत भी आपकी अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में अच्छे लोग आ जाते हैं, और अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपको बुरे लोगों से बचा भी लेता है। वो ऐसे कि जो लोग बुरे होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके दिल से उतर जाते हैं, है ना। तो आज के व्लॉग में इतना ही, अगेन एंड अगेन थैंक यू सो मच आयशा, आई लव यू सो मच।